हाय गाइस, वेलकम टू ऑटो सिटी गैरेज। ये वैगन आर है 2008 मॉडल की। इसका पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, एक हाथ से घुमाने से नहीं घूम रहा। ये रहता है इसका मॉडलर G4 बोल के, और उसका इधर फ्यूज भी रहता है एक। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाला पावर स्टीयरिंग फ्यूज, कभी कभार पावर स्टीयरिंग फ्यूज भी जाता है। इसके बाद इसका ये रहा उसका कनेक्शन, ये रहा उसका पॉजिटिव, ये रहा उसका नेगेटिव, ये रहा इग्निशन, ये रहा उसका इग्निशन। इग्निशन ऑन करने के बाद करंट आना चाहिए। और ये रहा उसका डेमी, एक लाइट रहता है लाइट के लिए। और ये एक रहा उसका कनेक्शन, मीटर से आता है ये कनेक्शन। और एक पर्पल कलर का रहता है स्पीडोमीटर कटअप के लिए, 40-50 के बाद पॉर्शन अपना आप कटअप हो जाता है। हमने इसका चेक किया, मोटर वीटर सब चालू है। ये दो इसका दो वायर जो ब्लैक रहता है क्लच का वायर रहता है, दो ब्लैक वायर इसका क्लच का वायर रहता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मोटर को चेक करना है तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो मोटर घूमेगी। स्टीयरिंग तो काम नहीं कर रहा अभी इसका। हमने सब चेक किया, फ्यूज कनेक्शन सब चेक किया। हमको इस मॉडलर के ऊपर डाउट आ रहा है। ये मॉडलर हमारे पास एक मॉडलर है, डाल के चेक करेंगे। स्टीयरिंग तो जाम आ रहा है, अभी घूम नहीं रहा है खास से। ये हमारे पास एक पुराना वाला था, हम डाल के चेक करेंगे इसको। ये टॉर्क सेंसर का है कनेक्शन, जो है दिख रहा है ग्रीन सॉकेट वाला टॉर्क सेंसर रहता है, जो स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही बैठे रहता है। देखो अभी काम कर रहा है। हमने भी इसका ये मॉडलर का ही प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे तो ये जाता नहीं, कभी कभार जाते हैं ये, ऐसे तो ज़्यादा नहीं ख़राब होती है। ये 2008 का मॉडल गाड़ी है। देखो पावर स्टीयरिंग एकदम फ्री से काम कर रहा है, फुल राइट एक हाथ से काम कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।